योगी जी की, मोदी जी की, मगर इसमें काम तो अच्छे हुए हैं मगर रोजगार अच्छा नहीं हुआ। इसे बहुत संभाला हूँ मैम, तब से ये आज मैं बात आपसे इसमें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैम, कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं करा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन देखो सर कहने का मतलब है सपना सपना एक ही के सोचने से पूरा नहीं होता। पहले कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, कुछ होता बड़कन आदमी सब कुछ हो जाता, गरीब का सलाह चाहो तो कुछ जुमलेबाजी तो कुछ भी करो, 15 लाख आगे खाते में कौन के माए आए किसी के में बता दे कोई, एक जगह आगे दौड़ेगी साइकिल दौड़ सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र से अमनपाल शर्मा जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा, समय भारत 24x7 से आज मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि वह विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। सर आपका नाम? दीपक। सर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? मैं तो ये सोचूंगा कि देखिए जो हमारे लिए अच्छा काम करे उसकी सरकार हम चाहते हैं, मगर जो सरकार योगी जी की मोदी जी की, मगर इसमें काम तो अच्छे हुए हैं मगर रोज़गार अच्छा नहीं हुआ, गरीब वहीं का वहीं रह गया। पहले उन्होंने बोला कि रेड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये जो उन्होंने करा था, फिर उसके बाद रेड़ी पटरी वाले ही भगाने लग गए, और फिर जॉब वाले, मेन मुद्दा जॉब वाले, हम पढ़े लिखे हैं, आज हम रेड़ी पटरी लगा रहे हैं तो क्या मतलब फ्यूचर में पढ़े लिखे मतलब गिरते चले जाएंगे कि रेड़ी पटरी लगाएंगे, अपना मुद्दा नहीं बना सकते। और हर जगह चले जाओ वहाँ घुसखोरी, आज आप ये बताओ आपने चलो पुलिस वालों को या ट्रैफिक वालों को बहुत सहूलियत दे दी कि हाँ भाई अपनी कानूनगिरी आप कर सकते हो सख्ताई से, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइक लेके चल दो और आपको रोक ले चल भाई 2,500 रुपये निकाल, ये कोई मतलब नहीं होता। आदमी आम आदमी कमाने जा रहा है और सुबह सुबह आप चालान फाड़ दे रहे हो, एक चलो हमने हेलमेट नहीं लगाया मानते हैं, मास्क नहीं लगाया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही वो कर दो कि बिल्कुल चालान फाड़ो या पैसे अलग से ले लो, ये कौन सा मुद्दा है? ये चीज़ तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। और फिर दूसरी चीज़, आप हर चीज़ सही कर रहे हो ठीक है, और ये चीज़ें छोटी छोटी गलतियाँ जो आपकी है ना, वो चीज़ आदमी को, हमें गरीब आदमी को तो वैसे भी पसंद नहीं आ रही और ना हमें आ रही है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल अगर गलत कर रही है बेरोज़गारी में, बेरोज़गार नहीं बन पा रहा तो सरकार बदलनी चाहिए बिल्कुल। आपका कहना है कि योगी सरकार में आप बेरोज़गार हो गए हैं? बिल्कुल, योगी सरकार में बेरोज़गार लोगों से पूछो ना, लोग क्यों नहीं बताते? एक तो डर के मारे नहीं शायद बताते कि लोगों को लगता है कि हाँ यार हमारे पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, हो सकता है क्योंकि उनके कार्यकर्ता है जो बहुत वो है, उनकी पावर है, तो इसलिए डर के मारे आगे आदमी आता नहीं है जल्दी बोलने के लिए किसी के। मैम आपको बताएं, कानून से रिलेटेड बातें नहीं है, अगर योगी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, अगर बंदा वेल एजुकेटेड है तो उसे मिलनी चाहिए हर जगह, चाहे किसी भी सरकार हो। नहीं तो हम ये डरते कि योगी की सरकार है, नहीं हम इससे डरते कि कांग्रेस की सरकार है। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए वो सरकार बेस्ट है, नहीं मिलेगा तो वो सरकार हमारे लिए बेकार है। ये मेरा भी यही मुद्दा है मैम। आपकी मतलब अब किस सरकार को आप चुनेंगे अपने लिए? देखिए जो हमारे लिए बेस्ट होगा उसके लिए हम चुनेंगे, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि योगी सरकार देखिए कर रहे बेस्ट काम भी कर रहे हैं, बेस्ट में कांग्रेस की टाइम पे भी थे, उनके भी कुछ बेस्ट थे, कुछ चीज़ें होती है जो पीछे छूट जाती है, मगर उसको भी तो देखो आप, गरीब ही आपको बनाएगा मकान, अगर कोई खड़ा करता है तो गरीब ही करता है ना, कोई अमीर तो नहीं खड़ा करता। तो वो चीज़ ही कहना चाहता हूँ मैं कि गरीब को भी रोज़गार मिले। योगी सरकार ने बिना मतलब के आकर ड्रामा कराया और रोडों पर ला कर रख दिया, मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। उनकी सरकार तो अभी बोल रही थी कि सबके अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो आपको क्या लगता है इसमें? अरे जब हमारे पैसे का मतलब नहीं है कि पैसा हमें चाहिए, आप ये चीज़ मुद्दा उठाइए ना कि अगर योगी सरकार भी है हमें पैसे से मतलब नहीं है, ये पैसा एक लालच है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वही पैसा आप अकाउंट में डला रहे हो, बिजली फ्री करो, बिजली में वो करो, सिलेंडर आज 1,000 रुपये का हो गया, आदमी खाएगा क्या? 6,000 रुपये की नौकरी कर रहा है पढ़ा लिखा आदमी, उसमें रूम भाड़ा भी दे रहा है, किराए के मकान में रह रहा है,
तो कहाँ से आदमी कर लेगा ये बताइए आप। और अब लॉकडाउन लगा रहे हो, जो आदमी मैं रेडी लगा रहा हूँ, मैं जॉब करता था पहले, अब मैं रेडी लगा रहा हूँ और 8 बजे आके लठ पड़ते तो फिर कहाँ से आदमी कमा लेगा ये बताइए। तो कैसे आपकी सरकार को हम अच्छा बोल दें? लॉकडाउन अगर पर्पस है ठीक है, आप हम मानते हैं कि हाँ लॉकडाउन पर्पस है कि किसी की सेफ्टी के लिए आप कर रहे हो, मगर उस तरीका भी तो एक उस चीज़ का सलूशन भी तो होना चाहिए कि हाँ भैया कि लॉकडाउन का किसी को फ़र्क ना पड़े। गरीब आदमी तो मतलब लॉकडाउन में घर में बैठ के भूखा मर जाए। चलो पहले तो लोगों के पास था, खिला दिया लोगों ने, ठीक है बांट दिया लोगों ने, अब आप तुम दे दोगे हमें ये बताओ? आप तो बड़े बड़े वादे करते हो, खाली वादे नहीं होते। जब किसी के घर में जाके देखोगे ना कि बच्चा भूखा सो रहा है, तब आपको पता लगेगी। खाली जय जय कार्य और जय जय बनने से कुछ नहीं होता, इंसान मानो तब आदमी आपको पसंद करेगा। उससे ज़्यादा तो हम ही खिला देते हैं दूसरों को। तो फिर तो आपके हिसाब से योगी सरकार आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसके अलावा आप मेरे हिसाब से देखिए, सही वाली बात नहीं कह रहा मैं, सही वाली सही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 50% भी अच्छा कर रहे हो तो 40% भी उनके लिए देखो जो चीज़ मुद्दे है। छोटे छोटे आप छोटा नहीं, आप बड़ी सोच रख रहे हो कि हाईवे बना दिया, मेट्रो बना दिया, मेट्रो का अचार डालेगा गरीब आदमी जिसमें चल नहीं सकता आदमी, 40 रुपये किराया, 50 रुपये किराया नहीं दे सकता, जिसकी 6,000 रुपये तनख्वाह है। आप ये बताइए 6,000 रुपये में मेट्रो में ट्रैवल भी कर लेगा और मकान का किराया भी दे देगा और बच्चे भी पाल लेगा, ये बताइए कहाँ है? अब ये बताइए कि कैसे करेगा आदमी, कर सकता है? आपके हिसाब से आपकी इन उम्मीदों पर कौन कौन सी सरकार खड़ी हो? मैं ये चाहता हूँ, देखिए कोई भी सरकार खड़ी हो, देना तो हमारा वोटिंग हक है, ठीक है कोई भी सरकार बने, मैं उससे खाली सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि एक अगर सरकार बने तो वो हर चीज़ देख के चले, हर मुद्दा एक होता है, हर चीज़ एक होती है, ये नहीं कि आप एक को लेके चल दिए और बना दिए आपने रोड, हाईवे बना दिए, पुल बना दिए, मॉल बना दिए बड़े बड़े और मूर्तियां खड़ी कर दी, ये कोई मुद्दा नहीं होता। अरे आदमी भूखा मर रहा है उन्हें देख लो पहले गुरुजी, बाकी तो बाद में चीज़ है, उनके घर में जा के देखो आप। मैं एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, आप चाय वाले से मोदी आज मोदी जी बन गए, मगर पहले आपके घर की स्थिति भी आपकी गरीब आदमी से ही बने हुए ना, तो देखो उस चीज़ को, वही चीज़ हमारे साथ भी होगी, ठीक है ना। और बात की तो बात है, जो भी मुलाकात है बात की बात है वो तो सब छोड़ दो, बस यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आदमी को आदमी समझो बस। थैंक यू सर। आपका नाम? मैम मेरा नाम मैम शमीम खान है मैम। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी उसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? मैम मुझे तो कुछ समझ में ना आता कि मोदी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आता। आप गरीब आदमी मैम, इतने दिन से मैं परदेश में हूँ मैम, मैं बच्चे लेकर रहता हूँ मैम, और मैम इतने दिन से हूँ मैं परदेश में मैम, मैं वही सैलरी 13,000 रुपया प्लस ओवर टाइम नहीं सा, उधर लॉकडाउन में उधर दिक्कत हो गया, आप फिर सुन रहे हैं कि इधर लॉकडाउन लगाने वाला है मैं, तो ना गैस भी उतना महंगा, सरसों तेल इतना महंगा, हर चीज़ में इतना महंगा मैम, तो गरीब आदमी किसी करेगा साला मार काट करेगा, कैसे भूखे चलेगा मैम, बोलिए मैम दिक्कत। आप गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो नहीं गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये समझो। अब बाड़ी वाला मैम, अब बाड़ी वाला छोड़ेगा नहीं मैम, बाड़ी वाला लठ मारता है सीधे किराया मांगेगा मैम, अब बाड़ी वाला राशन वाला मैम तो कैसे कहा, स्कूल सब तो देना पड़ेगा, इसी भी मेंटे से कैसे होगा मैम, बोलिए मैम कुछ तो समझ में नहीं आता है मैम कि क्या अच्छाई तो मुझे तो नज़र नहीं आता मैम। आज तक मैं प्रदेश में इतना दिन से हूँ मैम, कभी मैं पहली बार यानी कि जब से बहुत संभाला हूँ मैम, तब से ये आज मैं बात आपसे इसमें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैम, कोई फायदा नहीं आता। अब से 5 साल पहले हम बिल्कुल ठीक थे, जब से मोदी आया जब से हम बर्बाद हो गए बिल्कुल, यही बोल रहे सीधा।
सीधा बोलो, जैसे मोदी आया हम बर्बाद हो गए चीज में। अभी बोला है मैम कि मोदी बोला है कि मतलब कि अभी चीज में कार्ड बना लो तो मतलब कि पैसा देगा, अभी सब पैसा देगा। अभी बोला है अभी कार्ड बनाया मैम, अभी कार्ड बनाया मैम, मियाँ बीबी का दोनों का मैं कार्ड बनाया, 200 रुपया लिया मैम कार्ड बनाने का मैम, कैसे हिसाब में दिया हूँ मैं। अब उसने कहने लगा कि पैसे आएगा, पिछले बार भी बोला था पैसे आएगा, गरीब आदमी को चावल देगा, कुछ नहीं दिया पैसे में। अभी देखिए आया, अभी तक कुछ नहीं आया बेटी, कुछ नहीं आया। सब गरीब लोग रोड पर झाड़ू लगा के खा रहे हैं, मट्टी कूट रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, कुछ नहीं आया। ऐ सब बड़े लोगों का हो गया, ये नेता लोग। ये जो अभी जो पैसा पकड़ा गया, ठीक है, जो बंदा पकड़ा गया जिसके पास 278 किलो सोना, ठीक है, और अरबों खरबों की संपत्ति। देखो सर है, देखो एक मिनट मैम, देखो ऐसा है, मेरा नाम नवीन शर्मा है। ये पांच उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसी का अपना रोल है। जो रणनीति उन्होंने बनाई है, जो इंसान उस रणनीति तक पहुंचेगा वो उसकी गहराई को समझेगा कि 5 साल से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो उनका आगे का फ्यूचर प्लान है और जो वो हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप ये देखिए ना, वो कांग्रेस के लेवल में थी नहीं। आप खुद देखिए, कोई होता है अनपढ़, कोई होता है मजदूर, कोई होता है पढ़ा लिखा, कोई होता है एनालिस्ट, हर किसी का अपना लेवल है। तो हर लेवल से इंसान सोच रहा है, लेकिन जो एजुकेटेड है थोड़ी ना बढ़ जाता है, एक सीढ़ी पे ही आदमी कदम धीरे धीरे। अब सुनो, 70 साल, अब ये मैं आपकी भी बात रखूँ, 70 साल आदमी कांग्रेस ने, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, नहीं हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन देखो सर, कहने का मतलब है सपना एक ही के सोचने से पूरा नहीं होता। पहले कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, सब कुछ हो जाता है। गरीब का साला जाओ तो गरीब आदमी कुछ नहीं होता, उसे मारता है हर चीज में। पहले पुरानी फिल्में देखते थे, अब नई फिल्में आ रही है, तो वो हर चीज एक बदलाव होता है। आप ये नहीं कह रहा मैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने भी करा है, मगर देखो आदमी फ्यूचर में। अभी मैं ही हूँ, ये कह रहे हैं कि ये फ्लाईओवर जो है कांग्रेस की सरकार में बना है। ये जिन्होंने देखा है ना वो बताएंगे कि ये फ्लाईओवर भी बीजेपी की सरकार में बना है। क्यों, मोदी सरकार ने तो बोल दिया था अकाउंटों में दुनिया भर का पैसा भर भर के आएगा, और जो पकड़े जा रहे हैं इन पे कार्रवाई नहीं होती है ना। कहाँ साइबर क्राइम कितना एक्टिव है, सीबीआई कितनी एक्टिव है उसमें से। अरे आपको क्या पता, आपको नीति घनचार से कितने लोग उठे हैं अभी, आपको पता कितने कितने ही लोगों को अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ना, जो सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा क्राइम है उन्हीं के बेसिस पे उठने। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो हर चीज एकदम से नहीं मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। आप सोचो मैं सीधा 100 सीढ़ी पे आसरा लगाता हूँ सर, उसके लिए तो आप मैम आसरा लगाता हूँ मैम, तो बीजेपी सरकार को भी टाइम दो, बीजेपी सरकार आएगा, लेकिन आता कहाँ होता कहाँ मैम, उसके लिए भी तो आसरा लगा। चल भाई साहब, 6 महीना 5 महीना खाली है बोलना वाला भी। एक तो राजनीति में ना, राजनीति में एक तो घर का आदमी नहीं आना चाहिए। जैसे आज चाचा नेताजी बने हुए हैं और कल बेटा बन गया नेताजी। इस चीज पे भी तो ऑब्जेक्शन हो रहा है। आपको पता है संपत्ति, आपको पता है पीयूष जैन, आप लेटेस्ट सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं 280 करोड़, 25 किलो सोना, ये कौन सामने ला रहा है? काला धन कौन लाया? बीजेपी। ये किसके पास जाएगा? आप लोगों के पास, एक एक हजार ही जाए, बहुत बड़ी है ना सर। जिसपे नहीं है ना, जिसपे नहीं है, मैं एक चीज बताऊँ, जिसपे नहीं है वो अपनी परेशानी खुद जानता है। मैं तो खाली यही बोलता हूँ कि भैया अगर कुछ करना है तो सबसे पहले गरीब की झुग्गी में जाके देखो, कि ये नहीं इलेक्शन आ गया और 4 रोटी खाली गरीब के आगे घर पे, उसकी प्रॉब्लम 10 दिन रह के देखो उसके हालात पे, तब आपको पता लग जाएगा। नहीं, ये बात से मैं सहमत हूँ इनकी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, हम इनसे सहमत है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हर एक घर नहीं जा सकते, उनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो लोग जाते भी है, किसी के पास पहुंच पाते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, कहीं तक पहुंच सकते हैं कहीं तक नहीं पहुंच सकते। अब आपके सामने भाई साहब सारा खाना रहता है, सारा ही थोड़ी खा जाओगे यार, कोई नहीं, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करने दो। कांग्रेस को भी तो टाइम चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। महंगाई है, क्या करेगा, 1000 रुपए का सिलेंडर है, क्या कर लेगा,
एक मिनट, पहला मेरे को बोल रहे थे भाई महंगाई है, महंगाई का मुद्दा है। अब लोग लुभाने को तो कितना भी कुछ भी करो, है जुमलेबाजी तो कुछ भी करो, 15 लाख आ गए खाते में, कौन किम आए आए किसी के में बता दे कोई। रोजगार मिल गए 2 करोड़ हर साल, नहीं मिला ना तो कुछ जुमलेबाजी है। 7 साल का विकास, अब 7 साल का हो गया, विकास में क्या आया? वाले रोड बन गए, रोड में टैक्स लग गया, देना तो आपको। बीजेपी ने आम जनता को सड़क पे ला के रख दिया, रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं सड़कों पर घूम रहे हैं करोड़ों, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम। बीजेपी फेल है, मुलायम आएगा आएगा, साइकिल चलेगी इस बार। देखो मैम कह रहे लॉलीपॉप दिखा के, साइकिल साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दावे के से अंकल जी साइकिल दौड़ेगी कि कमल दौड़ेगा यहाँ से साइकिल पे। साइकिल पे हमारे पास शर्मा जी है क्या? एक की जगह दो दौड़े कबाड़े में बिकी साइकिल। ऐसा नहीं है कि साइकिल नहीं दौड़ेगी, साइकिल दौड़ सकती है क्योंकि क्षेत्र से हमारे पास शर्मा जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं और उन्होंने किया है। बस एक थोड़ा कहते हैं ना पृथ्वी गोल है सबका रोल है, अभी इस बार इनका रोल नहीं था, इससे पहले इनका रोल था, इस बार भी उस इनका रोल आ सकता है क्योंकि काम बोलता है। ये जो जनरल पब्लिक है ये यही देखेगी कि हमारी सुविधा कौन कर रहा है, जो यहाँ का चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस हो कहीं का भी हो, जो काम अच्छा करेगा उसी के सपोर्ट में हम रहेंगे, कोई पार्टी नहीं। क्योंकि देखिए पार्टी तो बना रखी है लेकिन आम इंसान की जो मेन समस्या है उस पर जो सोच विचार कर रहा है उसी के पीछे जाते हैं सारे इलेक्शन के। बाकी देखो मैम ऐसा ऐसा नहीं है कि बेरोजगार की बात है, 1 साल 2 साल, लेकिन जो मोदी जी की योजना है, जो दूर दूर क्षेत्र में बड़े बड़े गांव हैं उन्होंने वहां पे बाहर से MNC कंपनी चलाने की परमिशन भी मिल चुकी है, हर चीज़ पूरी हो चुकी है। तो आज नहीं कल आपको बेरोजगार योजना का जो लाभ है मिलेगा, जो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ तो भेज दिया। अबे भैया मेरे कितने साल से देश आजाद हुए, 70 साल हो गए मेरे दोस्त, सारा लाल किला से पहले नहीं बिका, लाल किला घर में रख दिया और तुम्हारी मेट्रो सब तुम्हारी बिक गई, LIC बिक गई, सब कुछ बिक गया, हो गया एयरपोर्ट बिक गया, कहाँ तो कहाँ बिक गया, कुछ नहीं बिका, चला गया। ये जो इनका कहना है ये बिक गया वो बिक गया, ये कोई बिका नहीं है, ये लीज भी कुछ चीज होती है। जब लोग आएंगे तो हमारे देश की GDP बढ़ेगी, हमारी देश की GDP बढ़ेगी विजिटर्स के आने से, वो एक लीज पे है राइट। तो जिनकी जितनी सोच है वो उतनी ही क्षमता रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर किसी का लेवल एक अलग अलग होता है, कोई 100% सोचता है, कोई 90, कोई 80, तो जो जिस तरीके से सोचेगा वो अपनी तरफ से सही है। लेकिन में काम भी तो होगा तेजी से। आप ये बताइए 2001 से LPG पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सर एक मिनट, LPG की पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब से हमारी GDP बढ़ ही रही है घट नहीं रही है, तो प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑल्सो। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू से एंड वी थिंक BJP इज डूइंग द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो BJP इज ऑल्सो गोइंग टू गेट द होल्ड इन द सेम। सर आपका नाम? नरेंद्र प्रसाद। सर आपको पता है कि आज से 15 से 18 साल के बीच के बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो गई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके तो बहुत और थोड़ी देर हो गया, हालांकि और पहले होना चाहिए, इससे बहुत खुशी है और बच्चों के खास करके खुशी है, क्योंकि स्कूल जाने में या निकलने में उनके आदमी को डर लगता था कि हाँ भाई बच्चे निकलेंगे उनसे कोई बीमारी ना फैल जाए, तो इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं है, ये हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। पर सर तीसरी लहर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है अभी बच्चों के लिए, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई बड़े के तो लग ही रहे हैं लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए अभी तक तो कुछ नहीं था, तो इससे अब बच्चों के आ गया ना, तो इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी की चीज़ है, जिससे कि अब बच्चे भी सावधान रहेंगे, उनके भी बीमारी से बचे रहेंगे, स्कूल भी आराम से आदमी भेज सकता है, जा सकते हैं, यही मैं कह सकता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। सर आज से 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है और वैक्सीन सबको ज़रूरी है, इसलिए सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन 15 से 18 के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझते हुए, और ख़ासतौर से इसमें गार्जियन की रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि युवा वर्ग को अपनी को बचाना भी ज़रूरी है और वैक्सीन उनको ज़रूरी है। पर सर तीसरी लहर में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, तीसरी लहर में कोरोना की वैक्सीन आ रही है तो खैर बहुत ही अफसोस की बात है, और ये पहले ही अवेलेबल हो जानी चाहिए थी, मगर फिर भी सरकार ने इसको अभी लॉन्च किया है तो अच्छी बात है, सभी को लगवाना चाहिए। मैम आपको पता है कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ गुड थिंग, बहुत पहले कर लेना चाहिए था हम लोग को, थोड़ा बहुत पहले कर लेते तो ये जो अभी आ रहा है ये आता ही नहीं, प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाता है। माँ बाप को भी समझाना चाहिए, वैसे तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो मेरे ख्याल से 12 साल से हो रहा है पूरा अमेरिका में, तो इसीलिए तो फुली प्रोटेक्टेड है, अभी वैसे भी फिर आ गया है सब जगह में। तो आपके हिसाब से भी सरकार काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है और वो अभी कोरोना वायरस मीन्स इंडिया में तो वैसे ही होता है ना, एवरीथिंग सोचते रहते हैं फिर उसके बाद अमल होता है, वी कांट ब्लेम गवर्नमेंट ऑल्सो, चलो कर रहे हैं यही अच्छी बात है, बढ़िया है, एवरी वन शुड डू इट। लेट आई है तो उससे भी आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, सब कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना, बच्चे लोगों को और आगे का वो दिक्कत नहीं होगा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये थी जनता की राय, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत 24x7। धन्यवाद।